नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज टुडे। कर्नाटक में डॉक्टरों के पास से हैरतअंगेज मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स पेट दर्द और उल्टी की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचा था, जहां डॉक्टरों ने उसके कई टेस्ट किए, इंडोस्कोपी भी की। फिर जो कांड सामने आया उसे देख डॉक्टर भी हैरान रह गए। एक शख्स के पेट में ढेर सारे सिक्के मौजूद थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक शख्स का नाम दयप्पा हरिजन है, जो रायपुर के जिले में लिंगसुगर शहर का निवासी है। शनिवार यानी 26 नवंबर को दयम्पा के पेट में दर्द उठा। ऐसे में बेटे रवि कुमार ने उसे बागलकोट के हनागल श्री कुमरेश्वर अस्पताल में एडमिट कराया, जहां डॉक्टरों ने लक्षणों के आधार पर एक्सरे और इंडोस्कोपी की। मरीज के एडोमिनल स्कैन में पता चला कि उसके पेट में ढेर सारे सिक्के मौजूद हैं। साथ ही डॉक्टरों को मालूम पड़ा कि ये शख्स सिजोफेनिया नाम की एक बीमारी से पीड़ित है और वो पिछले 2-3 महीने से इन सिक्कों को निगल रहा था। वहीं डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर उसके पेट से 1.2 किलोग्राम के 147 सिक्के निकाले। मरीज ने कुल 462 रुपये के सिक्के निकले थे। इसमें 5 रुपये के 56 सिक्के, 2 रुपये के 51 सिक्के और 1 रुपये के 80 सिक्के थे। बता दें कि इस चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन को 3 डॉक्टरों की टीम ने अंजाम दिया है। डॉक्टरों के मुताबिक ऑपरेशन बहुत मुश्किल था। मरीज का पेट गुब्बारे जैसा फूल गया था। पेट में हर जगह सिक्के ही थे। ऑपरेशन थिएटर में सीआर के जरिए सिक्कों को ढूंढा और फिर उन्हें जगह से निकाला। सिजोफेनिया एक मानसिक रोग है, जिसमें पेशेंट के विचार और अनुभव वास्तविकता से मेल नहीं खाते हैं। ये भ्रम तब भी बरकरार रहता है जब कोई इसे सच्चाई का आभास करवाने की कोशिश करता है। सिजोफेनिया के मरीज को इस बीमारी से जूझने में जिंदगी भर भी संघर्ष करना पड़ सकता है।